क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आंसर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें आपको पूछा था लोकसभा में, तो लोकसभा में ये नियुक्त किए जाते हैं ओनली 2। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा। देखिए आपको ये अनुच्छेद 70 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ये मुख्यमंत्री, ये मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानमंडल 2 सदनीय है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार। उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका डी, तो बिहार की विधानमंडल 2 सदनीय, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ कौन से देश के संघ का सदस्य है, मतलब भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है। तो ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए गए 4, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कनाडा। भारत का जो देश संघ है वो कनाडा की संघ की सदस्य है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपको याद रखनी है, भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में है 8। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, आपको ये याद रखना है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 8, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ये है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग है, तो भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान में इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। तो ऑप्शन है 2004, 1999, 2005 में, 2009 में। तो आपको इसके याद रखना है 2005 में, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया, तो 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माल्य मिंटो अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। विधान परिषद के आकार में वृद्धि, केंद्रीय परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो इसका आंसर है आंसर डी, केंद्रीय परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। और ये देख सकते हैं आप, पूछा भी गया है एमपीएससी में, प्री में पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है और यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया है। 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, शिक्षा संस्थानों के आरक्षण द्वारा। तो इसका आंसर है डी, 93वां संवैधानिक संशोधन, यानी कि 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आपको याद रखना है कि 93वां संविधान संशोधन भारत में शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं में से नहीं थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रवाद का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त
कर केंद्र में लागू किया। और ऑप्शन डी है, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो इसका आंसर, राइट आंसर है डी, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो आंसर है इसका हमारा सी, 1965 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम जिसने था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर ब्रिटिश बनाने के अधिकार पर बल दिया, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, फिर निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है ए, ब्रिटेन की संसद को भारत पर ब्रिटिश बनाने के अधिकार पर बल दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था। मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब निम्नलिखित से कूट दिए गए हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर है इसका बी, यानी कि 3 और 4, बंगाल और पंजाब, यानी कि बंगाल और पंजाब ये प्रांत थे। ठीक है, आपको याद रखना है आंसर बी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों को पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ये आंसर नंबर एक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी है 1898 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका बी, 1784 का फिट्स इंडिया अधिनियम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर दे देते हैं हम, राइट इसका आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 20, ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए एक लाख रुपए दिए थे? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल का। ठीक है, धन्यवाद।